हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है कि हम आ चुके हैं अपने मायके में और यहाँ पे हो रही है स्नैक्स की शॉपिंग। सो यहाँ पे हम लोग स्नैक्स खरीदने आए थे, लेकिन लड़कियों में यही प्रॉब्लम होती है कि घर में कुछ आती है और कल कुछ आती है। यहाँ पर हम लोग आए थे स्नैक्स वगैरह खरीदने, क्योंकि विशाल मेगामार्ट कपड़ों के लिए मेरे ख्याल से क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं देता, इसलिए हम लोग नहीं कुछ लेते। लेकिन लड़कियों में यही दिक्कत है, लेना हो या ना लेना हो, वो तो मतलब पूरा देखती ज़रूरी है कि क्या यहाँ पर है अवेलेबल। सो यहीं पे हम लोग सब देख रहे थे कि क्या है क्या नहीं है, कैसा ड्रेसेस रखता है, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो तुरंत से कुछ खरीदने लायक हो तो ख़रीद ले। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर जा रहे थे क्योंकि हम लोग को तो कुछ लेना था नहीं। तो यहाँ पे ऊपर की ओर बढ़ते हुए हम लोग सोच रहे थे कि क्या ख़रीदें, क्योंकि समर आ रहा है तो फ्रिज में रखने के लिए बॉटल्स चाहिए पानी भर कर रखने के लिए। सो इसीलिए हम लोग सोचे चलो बॉटल ही ले लेते हैं। तो यहाँ मेल्टन का बॉटल बहुत चीप रेट मिलता है, लेकिन रास्ते में फिर यहाँ किड्स सेक्शन में हम लोग रुक गए थे, क्योंकि बच्चों का ड्रेस बहुत ही क्यूट बहुत ही प्यारा लगता है, छोटा छोटा ड्रेस। लेकिन हम लोगों को तो कुछ लेना था नहीं, हम लोग आगे बढ़ चुके थे, लेकिन ऑल सडन मेरे को याद आता है कि बाबू का सारा सॉक्स हम छोड़ चुके हैं अपने ससुराल में। सो मैंने बोला कि चलो कुछ नहीं तो एक दो सॉक्स ही ले लेते हैं बाबू के लिए। फिर मैंने यहाँ से बच्चों के लिए, मतलब बच्चे के लिए, सॉरी मैं अपना सॉक्स देख रही थी, बच्चों को बहुत ही अच्छे लग रहे हैं छोटे छोटे ड्रेसेस, और लड़कियों को तो काफ़ी अच्छे ड्रेसेस। मेरा बाबू मेरा बाल बहुत जोर से पकड़ा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के शूज, बॉटल कवर, सॉक्स सब अवेलेबल थे। लेकिन ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इसको रेडी हग के और फर्स्ट प्राइज से मैंने लिया था, तो मैं नहीं लेने वाली थी, लेकिन मेरे को सॉक्स लेने थे क्योंकि अभी ठंडी विंटर तो अभी क्या मार्च तक ही रहेगा, उसके बाद तो फिर गर्मियाँ ही आ जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि बस सॉक्स ले लेती हूँ, क्योंकि इतने दिन में बाबू का तबियत ना खराब हो गया ठंड के कारण। तो मैं यहाँ पर सोच रही थी कि ये चावल वॉश करने के लिए, राइस वॉश करने के लिए यहाँ पे लिए थे, और ये बॉटल्स बहुत ही प्यारे प्यारे थे। सो लेना तो बस बॉटल ही था, लेकिन फिर भी हम लोग बस इधर उधर घूम रहे थे, फिर सोच रहे थे कि बॉटल ले लेते हैं, कुछ ठंडा ठंडा पानी रखने के लिए हो जाएगा। हाँ, तो देख सकते हैं हम लोग बस बॉटल ही देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बॉटल्स हैं, लेकिन फिर भी वो होता ना एक साल बाद पुराना हो जाता तो फिर यूज़ करने का मन नहीं करता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बस बॉटल ही लेते हैं, और उसके बाद बॉटल लेने के बाद हम लोग अपने बिलिंग काउंटर के पास पहुँचे, जहाँ पे सिर्फ स्नैक्स ही वगैरह हम लोग लिए थे और बाबू के लिए सॉक्स और बॉटल बस, और कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ के ड्रेसेस तो बहुत ही ठीक रहते हैं लेकिन क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं होता। और बेचारे गाड़ी जो भी हैं वो ऐसे देख रहे थे ना, इसलिए ये से मेरे को बहुत इन लोगों पे बहुत ये आता है कि एटलीस्ट एक चेयर या टेबल कुछ भी दो यार बैठने के लिए बेचारे को, कि इतना देर तक खड़े रहते हैं। मेरे को तो भाई देख के बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन इन लोगों का भी जॉब है गार्ड का, सो करना तो पड़ेगा ही, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता पर्सनली। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी बड़ी बहन दुनिया का बोझ उठाते हुए आगे बढ़ रही है, और मैं बाबू को लिए हूँ, और मेरी छोटी बहन पीछे से हम लोगों का वीडियो शूट कर रही है। सो यहाँ पे बहन आने चाहिए थी ऐसे सामान लेकर, फिर भी जितना हो सका आप लोगों को शूट करके
मैंने दिखा यहाँ पे बाबू के लिए कुछ कुछ मेडिसिन वेडिसिन लेना था, तो यहाँ पे मेडिकल स्टोर है तो वहीं पे हम लोग चले गए थे कि क्या लेना है। सो हम लोग लेने के बाद वहाँ से सीधे निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर। तो अगर मेरी वीडियो प्लीज़ आप लोग को अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर ले। और इसके बाद मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालने वाली हूँ, क्योंकि जो मैं घूमने गई थी अपने हस्बैंड के साथ वो सब मैंने अभी एडिटिंग बाकी है उसकी, तो मैंने नहीं किया लेकिन कर लूँगी।